आज हम लोग जानेंगे कि फुल्ली ऑटोमेटिक जो टॉप लोड की वॉशिंग मशीन होती है उसके अंदर ये कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये इसका मोटर है और जैसे गियर बॉक्स है और जो हमारा इसका ड्रेन मोटर है और जो हमारी ड्रेन पाइप है, जो ड्रेन वाल्व है, ये सब कैसे काम करते हैं। देखिए जो हमारी सेमी वॉशिंग मशीन होती है, ये वाली सेमी वॉशिंग मशीन, इसके अंदर तो देखिए हम हाथ से एडजस्ट करते हैं लेकिन ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है टॉप लोड में। देखिए अभी हमने इसका बॉडी खोल करके यहां पे रखा हुआ है, ये इसी के अंदर से खोल के हमने निकाला तो पूरी बॉडी खोलने के बाद अंदर सिर्फ इतनी चीज टोटल मिलती है हमें, पीसीबी अभी अलग जगह पे रखी हुई है पीसीबी को छोड़ के। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, ये एक इसका मोटर है और ये वाली जो वॉशिंग मशीन है, देखिए यहां पर इसके में दिखाइए एक बार, यहां पे क्या लिखा है, स्मार्ट इन्वर्टर मोटर, यानी ये जो वॉशिंग मशीन है ये इन्वर्टर टाइप वॉशिंग मशीन है, तो इसलिए इसका जो मोटर है वो डीसी मोटर है। तो क्या ये बैटरी से काम करती है? ऐसा नहीं है, ये बैटरी से नहीं, एसी सप्लाई से काम करती है, लेकिन इसके पीसीबी में जब सप्लाई आती है एसी, तो पीसीबी उसको डीसी में कन्वर्ट करके भेजती है, तब जाके ये मोटर चलता है। तो यह एक नॉर्मल मोटर जैसे सब होते वैसा ही है, बस अंतर यही है कि ये डीसी मोटर है। अब समझिए कि जब इस मोटर में सप्लाई आती है ये मोटर क्या करता है, देखिए इस तरह से घूमता है। अब एक तरफ से देखिए ये इस तरह से एक दिशा में अगर हम इसको घुमा रहे हैं तो घूम रहा है ना, अगर इसको हम दूसरी दिशा में घुमाएं तो ये दूसरी दिशा में भी घूम रहा है, मतलब ये समय समय से घूमता है। जैसे मान लिया ऐसे ऐसे करके घूम रहा है इस तरह से, तो कपड़े को क्या करेगा, अंदर पूरा जो पल्स्टर है वो घूम रहा है इस तरह से, बेल्ट पे आधारित है पट्टे पे, और पूरा पल्स्टर जो है इसका एक बार लेफ्ट राइट ऐसे करके घूम रहा है। अब इस तरह से घूमने से क्या होगा कि कपड़ा हमारा धुलता है और साफ होता है। जब जब कपड़ा हमारा धुल जाता है तो जो गंदा पानी होता है उसको हमें बाहर निकालना होता है। तो बाहर कैसे निकलता है, ये एक पाइप है, देखिए इसको हम बोलते हैं ड्रेन पाइप। ये ड्रेन पाइप होती है जो डायरेक्ट, ड्रेन का मतलब कि जहां से पानी को हमें बाहर निकालना हो, तो ये ड्रेन पाइप है, मतलब कपड़ा धुलने के बाद गंदा पानी इसी पाइप के माध्यम से बाहर निकलता है। अब वो निकलता कैसे है, उसको निकालने के लिए इसके अंदर एक मोटर लगा होता है, जिस मोटर को हम बोलते हैं ड्रेन मोटर। ये भी मोटर देखिए डीसी है और ये 13 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है, 13.5 यानी 13.5 वोल्ट की सप्लाई पे ये काम करता है, ये भी डीसी मोटर है। अब समझिए कि होता क्या है कि जो हमारी ये नॉर्मल वाली वॉशिंग मशीन है ना, इसके अंदर ये स्विच होती है, जब हम स्विच को ऐसे घुमाते हैं तो उसके अंदर एक धागा होता है खिंचाता है, और जब धागा खिंचाता है तब जाकर के पानी बाहर निकलता है। इसके अंदर भी सेम वही है, डिफरेंट बस इस बात का है कि इसके अंदर धागा नहीं है, हमें नहीं कुछ करना है, ये प्रोग्रामिंग के ऊपर आधारित है ना। तो मतलब पीसीबी जब कपड़े को धुल जाता है तो वॉशिंग मशीन को पता चलता है कि हाँ कपड़ा धुल चुका है, अब इसके पानी को बाहर निकालना है और कपड़े को सुखाना है। तो पानी को बाहर निकालने के लिए ये ड्रेन मोटर में सप्लाई आती है, और जब ड्रेन मोटर में सप्लाई आएगी तो ये ड्रेन मोटर के अंदर ये छोटी सी प्लास्टिक देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक, ये क्या होता है, ये ऐसे अंदर की साइड में खींचता है। देखिए जैसे हम हाथ से दबा के अंदर कर रहे हैं ना, ये ऐसे अंदर की साइड में खींचता है, और जब ये अंदर की साइड में खींचता है ना, तो जिस प्रकार से हमारे नॉर्मल वॉशिंग मशीन में हम धागा से खींचते हैं, उसी तरह से देखिए ये अंदर की साइड में ऐसे खींचेगा, और ये हमारा जो वाल्व है वो वाल्व भी देखिए ऐसे जब ये खींच रहा है ना, तो वो वाल्व भी ऐसे बाहर की साइड में खिंचा रहा है। तो जब वाल्व खिंचाता है तो यहां से जो पॉइंट है वो फ्री होता है और जो पानी है वो इस पाइप के माध्यम से बाहर निकल जाता है, मतलब जो गंदा पानी है वो बाहर निकलता है। अब समझिए कि जब ये मोटर चलेगा तो देखिए ये वाला पॉइंट है, ये अंदर की साइड में खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो इस तरह से ये पूरा खींचेगा, और ये वाल्व खुलेगा, ये वाल्व खुलेगा तो जो पानी है इसका वो बाहर निकलेगा। लेकिन ये जब वाल्व पीछे की साइड में खींच रहा है ना, तो सेम टाइम पे यहां पर देखिए एक ये सेलेक्ट करने के लिए है पॉइंटर हमारा, कि यहां से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और ये देखिए जब इसको खींच रहा है ना, तो ये इसको भी दबा रहा है, और जब दबा रहा है तो ये वाला देखिए यहां पे एक ब्रेक का पॉइंट है, वो ब्रेक वाला जो पॉइंट है देखिए वो भी ऐसे बाहर की साइड में आ रहा है। अगर इसको हम ऐसे हाथ से उठा के थोड़ा सा दिखाएं, देखिए ये वाला जो ब्रेक वाला पॉइंट है, ये वाला देख पा रहे हैं, ये यहां पे दांत दांत सा बना हुआ है ना, ये उसी के ऊपर देखिए दांत पे जाकर के दबाता है, फिट करता है, जिसकी वजह से जब ये ऐसे खींच लेता है बाहर की साइड में ना, तो ये दांत वाला पॉइंट भी बाहर आ जाता है, ये छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये जो पल्सटर है अब वो नहीं घूमता है, अब घूमता है इसका पूरा ड्रम। देखिए अब ये एक साइड में घूमता है, एक बार इसको ऊपर से उठा के दिखाइए, देखिए नॉर्मल अवस्था में अगर हम इसको ऐसे घुमाएं तो देखिए ये घूम रहा है ना, एक साइड में घूम रहा है, एक साइड में हमने घुमा के आपको दिखाया, इसको हम दूसरी साइड में घुमाते हैं। देखिए
दूसरी साइड में भी घूम रहा है, मतलब पल्सटर की अवस्था में ये दोनों तरफ घूम सकता है। लेकिन जब इसका ये ब्रेक वाला पॉइंट अगर हम इसको देखें, यहां से हाथ से खींच लेते हैं, इसको हम यहां से खींच लेते हैं, खींचने के बाद ये ब्रेक छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद देखिए एक साइड में घुमा रहे थे, ये घूम रहा है ना, ये पूरा ड्रम घूम रहा है, और दूसरी साइड में घुमाएंगे देखिए ये नहीं घूम रहा है, देख रहे ना, ये थोड़ा थोड़ा घूमता हुआ दिख रहा है ना, लेकिन बहुत जाम है, मतलब ये दूसरी साइड घूमने के लिए नहीं बना हुआ है। ये देखिए इस साइड में पूरा फ्री घूम रहा है बिल्कुल। तो जब ये ब्रेक छोड़ देता है तो पूरा ड्रम घूमता है, और जब ये कनेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, तो सिर्फ पल्सटर घूमता है। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन कपड़े को धुलती है, मतलब समझिए कि जैसे वॉशिंग मशीन में हमने कपड़े को डाला, और जब ये ब्रेक लगा हुआ है, पानी भरा हुआ है तो ब्रेक लगा रहेगा, नहीं तो अगर ब्रेक मान लीजिए छोड़ रहा है तो पानी भी तो निकल जाएगा ना, पानी भरा है मतलब कपड़े को धुलना है, तो उस समय ब्रेक लगा रहेगा और सिर्फ पल्सटर घूमेगा, एक बार दाहिने एक बार बाएं, एक बार दाहिने एक बार बाएं। वैसे जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है ना, वो सिर्फ दाहिने और बाएं नहीं घुमाती, वो कपड़े को बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब खंगालती है या ऐसे फिचकारती है, मतलब समझिए उसका बहुत अच्छे तरीके से पल्सटर घूमता है। जो हमारी नॉर्मल होती है वो तो क्या एक बार चार पांच राउंड दाहिने घूमेगा, एक बार चार पांच राउंड बाएं, लेकिन ये चार पांच राउंड की बात नहीं, कुछ टाइम तक, कुछ देर तक घूमेगा, कुछ टाइम तक, कुछ कम तक घूमेगा, मतलब प्रोग्रामिंग होती है, फंक्शन इसके अंदर सेट किए जाते हैं, जो पीसीबी के अंदर प्रोग्रामिंग दी गई होती है उसके आधार पे ये काम करती है। तो इस तरह से देखिए ये वॉशिंग मशीन हमारा काम करती है। तो है क्या क्या, एक मेन मोटर है जो हमारे पल्सटर को घुमाता है या फिर वॉश मोटर को घुमाता है, मतलब एक चीज यहां ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर एक ही मोटर है जो कि कपड़े को धोने और सुखाने दोनों का काम करता है। यह काम कैसे हो पा रहा है, एक ब्रेक के माध्यम से, एक गियर के माध्यम से जो कि हमारा पॉइंट पे जाके फंस रहा है। दूसरा एक और मोटर है जिसको हम ड्रेन मोटर बोलते हैं। इस वॉशिंग मशीन में ड्रेन मोटर नहीं होता, उसमें एक स्विच होती है जिसको जब हम घुमाते हैं तो एक धागा लगा होता है जो स्प्रिंग को खींचता है, और जब खींचता है तो पानी वाला रास्ता खुल जाता है और पानी बाहर निकलता है। लेकिन इसमें क्या है, एक मोटर लगा हुआ है और वो मोटर पॉइंट को खींचता है, खींचता है तो पानी बाहर निकलता है, और जब मोटर पॉइंट को खींचता है सेम उसी समय ये गियर बॉक्स भी यहां पे छोड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा ड्रम घूमता है। मतलब जब पानी बाहर निकलेगा तभी ड्रम को घुमाने की जरूरत पड़ेगी ना, मतलब जब पानी बाहर निकल जाएगा तभी कपड़े को सुखाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो उसी आधार पे ऐसा फिटिंग के साथ इसको बनाया गया है जिसके आधार पे ये काम करता है। तो इससे रिलेटेड अभी फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे समझेंगे, इसको हम चला करके भी देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।